الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دوامی کا گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دوامی کا گلے میں توق ڈال محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دربار الہی کے اندر التجا ہے دعا ہے کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن کریم نے شرک کے ہر پہلو پر رد فرمایا ہے اور شرک کی جتنی قسمیں ہیں اللہ نے ہر قسم کی تردید فرمائی مشرکین کے جتنے شبہات تھے اللہ نے ایک ایک شبے کو رد فرمایا اور ایسے دور فرمایا کہ اگر ذرا سا بھی عقل مند انسان غور کرے تو شرک سے پیدا ہونے والے یا شرک کے بارے میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور بندے کا دل و دماغ اس بات پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ رائے حق وہی ہے جو اللہ کی توحید والا ہے اور جو قرآن نے بتایا ہے اگر آپ غور کریں تو مکے کے جو مشرکین تھے
वो अल्लाह को मानते थे। इस पे मैं कई जुमे पढ़ा चुका हूं कि वो अल्लाह को मानते थे, सिर्फ मानते ही नहीं थे कि अल्लाह है, बल्कि अल्लाह को खालिक भी मानते थे कि पैदा करने वाला भी अल्लाह है। और सिर्फ इसी पर बस नहीं कि उन्हें पैदा करने वाला अल्लाह है, बल्कि आसमान और जमीन, सूरज चांद सितारे और उनका खालिक अल्लाह है। इस बात के भी मुशरिक कायल थे और मानते थे कि मौत और हयात का मालिक भी अल्लाह है। ये सारी चीजें वो तस्लीम करते थे। फिर वो करते क्या थे कि वो मुशरिक हैं? वो अल्लाह के सिवा जो उन्होंने लात, मनात, उज्जा, हुबल, वद, सुवा, यहूस, यहूक, नसर, नायला, असाफ, ये जो बड़े बड़े नामी गिरामी जो उन्होंने माबूद बना रखे थे, वो इनकी पूजा करते, इनको खालिक समझ के नहीं पूजते थे, वो इनकी बंदगी करते थे, इनको मौत और हयात का मालिक समझ के नहीं करते थे। हरिपुर वालों आप बोलेंगे फिर क्या समझ के करते थे? तो कुरान कहता है, कुरान उनका ये अकीदा जिक्र करता है। खुदारा दिमाग हाजिर रखिए ताकि अगर मैं जो अगली बात शुरू करने लगा हूं वो आपके जहन में आ सके। कुरान कहता है, मुशरिकीन कहते थे, वमा नाबुदुहुम इल्ला, फरमाया वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुरुहुम वला यन्फ़उहुम ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله। सूरत का नाम सूरत यूनुस, ग्यारहवां पारा है, आयत नंबर 18 है। कुरान कहता है, वयाबुदून मिन दूनिल्लाह, ये बंदगी करते हैं अल्लाह के सिवा औरों की, किनकी माला यज़ुरुहुम वला यन्फ़उहुम, जो न इन्हें जरर नुकसान तकलीफ दे सकते हैं, वला यन्फ़उहुम, और न इन्हें कोई फायदा नफा दे सकते हैं। और ये क्या करते हैं जो बंदगी करते हैं? कहते हैं वयकूलूना उलाए शुफाउना इंदल्लाह, कहते हैं ये जिनकी हम बंदगी करते हैं, शुफाउना इंदल्लाह, ये सफारशी हैं हमारे अल्लाह के हां। ये अल्लाह के हां हमारे क्या हैं? हरिपुर वाले जिस नुक्ते पे लाना चाह रहा था तुम्हें, वो कहते हैं हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के हां हमारे सिफारशी हैं, ये सिफारिश कर जाएं अल्लाह इनकी सिफारिश लाजमन मानता है, ये अल्लाह से सिफारिश करके छुड़वा लेते हैं, बस हम इनकी पूजा करते हैं, बाकी काम इन्होंने अपने सर ले रखा है, यही हमारे सिफारशी और शुफा है। ये उनका अकीदा। अब आइए मैं आपसे कुछ कहने लगा हूं कुरान के मुताल्लिक, के कुरान इस बारे में क्या कहता है। आइए कुरान शफात वाले अकीदे के बारे में बड़ी तफसील से गुफ्तगू करता है, बड़ी तफसील से। चंद चीजें पहले समझ लीजिए। पहली बात ये समझ लीजिए, जो कुरान अकीदा पेश करता है वो ये कि हर मोमिन को ये अकीदा रखना चाहिए कि हर चीज का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? अल्लाह ही के पास है। ये अकीदा कुरान पेश करता है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत सबा है,
और पारा नंबर 22 है और आयत नंबर है 23। अल्लाह, आयत नंबर भी 22, पारा भी 22। सूरत का नाम सूरत सबा है। कुरान क्या कहता है, कुल दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, कुल मेरा पैगंबर कह दीजिए इनसे, उदउ लजीना, पुकारो तो सही उन लोगों को, उदउ लजीना, बुलाओ उन लोगों को, जाम तुम जिन्हें जिन्हें तुमने गुमान कर रखा है कि ये सफारशी हैं, ये छुड़वा लेते हैं, उनको पुकारो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। फरमाया मा ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़ वमा लहुम फीमा मिन शिर्किन वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर। इस आयत पर गौर कीजिए, दिल का बर्तन सीधा कीजिए, पुकारिए जरा उन लोगों को जिन्हें तुमने मुश्किल कुशा आजत रवा सफारशी समझ रखा है। अल्लाह फरमाते ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़। पहला कायदा कुलियारी पूर्व वालों को ये है कि वो एक जर्रे के भी मालिक नहीं है आसमानो जमीन में। ये पहली बात कि आसमान और जमीन में वो जर्रे के भी मालिक। अच्छा, तीन चीजें होती हैं हरिपुर वालों, मालिकियत, शराकत, मुआवनत। कितनी चीजें, क्या कमाल है कुरान का, एक आयत में तीनों की जड़ें उखेड़ दी। पहली चीज मालिकियत, फरमाया माला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, आसमानो जमीन में एक जर्रे के भी वो मालिक नहीं, क्योंकि आसमानो जमीन के जर्रे जर्रे का मालिक कौन है। उलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। दूसरी चीज फरमाया व मालहुम फीहिमा मिन शिर्किन। चलो कोई कह दे मालिक नहीं, मालिक अल्लाह ही है, मगर ये अल्लाह के साथ शराकत दार है। दूसरा अकीदा समझ में आया किसी के ज़हन में? चलो मालिक नहीं भाई, हम मालिक थोड़े ही कहते हैं, हम तो क्या कहते हैं, चलो ये हिस्सेदार है आपके साथ, जो कारोबार में शरीक हो, मकान में, उसको क्या कहते हो, पार्टनर, शराकतदार, हिस्सेदार। अल्लाह फरमाते मालहुम मिन मालहुम फीहिमा मिन शिर्किन, एक जर्रा बर शराकत भी नहीं इनकी। दो बातें हो गई, मालिक भी कोई नहीं अल्लाह के साथ, शरीक भी कोई नहीं, हिस्सेदार भी नहीं। चलो मान लिया हिस्सेदार भी नहीं, मालिक भी नहीं, इतना तो मान लो कुछ ना कुछ हाथ बटाते हैं अल्लाह के साथ, मुआवनत करते हैं, तावुन करते हैं। फरमाया मालहू मिनहुम मिन ज़हीर, जिन जिनको तुमने इला समझ रखा है, सफारशी समझ रखा है, इनमें से अल्लाह के लिए कोई मिन ज़हीर, मददगार और मुआविन भी नहीं है। अल्लाह अकबर, मालिक भी नहीं अल्लाह के सिवा ये जर्रे के, शराकत दार भी नहीं अल्लाह के साथ, वमा लहू
मिनहुम मिन ज़हीर, और इनमें से कोई अल्लाह के साथ मुआविन मददगार हाथ बटाने वाला भी नहीं, इसलिए कि अल्लाह शरीकों से पाक है, अल्लाह मुआविनों से पाक है, अल्लाह मुशीरों वजीरों से पाक है। अल्लाह, ये पहली बात, ये पहली बात, कायदा कुलिया मान लीजिए, ना कोई मुआविन है अल्लाह का, ना कोई हिस्सेदार है, ना ही कोई किसी चीज का मालिक है अल्लाह के सिवा, एक बात। अब दूसरा कायदा कुलिया समझ लीजिए कि शफाअत का जो अकीदा है इसके बारे में कुरान क्या कहता है। दूसरा कायदा कुलिया जान लीजिए, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और 24वां पारा है, सूरत का नाम सूरत जुमर है, आयत नंबर 44 है। कुरान क्या कहता है जरा सुनिए, कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीया, कायदा सुन लीजिए, कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीया, कुल मेरा पैगंबर कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, लिल्लाहि शफाअतु जमीया, के सारी की सारी शफात और सफारिश का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। मान ली बात के नहीं मानी, क्योंकि कुरान कहता है कुल मेरा पैगंबर कह दीजिए, लिल्लाहि शफाअतु जमीया, सारी सिफारिशों का इख्तियार अल्लाह ही के लिए है। क्यों? लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज, के आसमानो जमीन की मिल्कियत किसकी है, वही अकेले मालिक है। दो बातें तो आपने समझ ली हैं, पहली बात समझ ली है कि आसमान और जमीन में एक जर्रे का भी अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं। दूसरी बात आपने समझ ली है कि अल्लाह के सिवा आसमान और जमीन में कोई बंदा अल्लाह के साथ हिस्सेदार भी नहीं है। तीसरी बात भी कुरान ने जिक्र कर दी कि आसमान और जमीन में अल्लाह के साथ निजाम चलाने में कोई मुआविन और मददगार भी नहीं। ये तीनों बातें सूरत सबा में और सूरत जुमर में फरमाया, कुल शफातु जमीया, मेरा पैगंबर आप ऐलान कर दीजिए कि सिफारिश सारी की सारी किसके इख्तियार में है। पहली बात समझ में आ गई, शफात का इख्तियार किसको है सिर्फ, क्या मतलब है अल्लाह ने इसका इख्तियार अपने पास रखा है। अब किसी को देता भी है सिफारिश करने का कि आप करें। अब इसके मुतालिक तीन बातें समझ लीजिए, एक अकीदा यहूद नसारा और मुशरिकीन का था, मुब्तदीईन का, इस दौर के मुशरिकीन का भी, और दूसरा नजरिया इसके मुतालिक मोतजिला का है, और तीसरा अकीदा मुसलमानों का अहले सुन्नत वल जमात का है। सुनिए जरा, मुशरिकीन यहूद नसारा का अकीदा क्या था इसके मुतालिक, उनका अकीदा ये था कि ये जिन जिन की हम पूजा करते हैं, जिन जिन को हम पुकारते हैं, माबूद समझते हैं, ये अल्लाह से छुड़ा सकते हैं, इतनी पावर है इनके पास कि अल्लाह पकड़ ले ये छुड़ा। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, जरा समझिए। शफात की कई किस्में, पहली शफात वजाहत है, दूसरी किस्म है शफात मोहब्बत, और तीसरी किस्म है शफात बिल इजन। शफात वजाहत यह है कि मुजरिम ने जुर्म किया है, आईन कानून के मुताबिक वो मुजरिम है, सजा का मुस्तहिक है वो, लेकिन बादशाह सजा देना चाहता भी है और कानून के मुताबिक है भी मुजरिम, लेकिन बीच में कोई वजीर आ गया
उसने आके सिफारिश कर दी जी बादशाह सलामत ये तो अपना आदमी है मेरा, ये तो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, ये तो मेरा दोस्त है, चाहने वाला है। बादशाह ना चाहते हुए भी, बादशाह का दिल है सजा देने को, ना चाहते हुए भी वजीर की वजाहत सामने आ गई, कहा चलो छोड़ दिया। ऐ छोड़ने जोगा नहीं आया, छोड़ने के काबिल नहीं था, लेकिन क्या करता हूं छोड़ देता हूं आप जो आ गए ये। और मक्के के मुशरिकीन का भी यही अकीदा था, यहूद और नसारा का भी यही अकीदा था, और ये भी उनका अकीदा था। तीसरा कि एक बंदा है मुजरिम भी है, आईन और कानून का मुजरिम है, सजा का मुस्तहिक है, लेकिन बादशाह सजा देना चाहता है। आड़े आ गया बेटा, आ गया बादशाह का बेटा, आ गया अबू जी मुजरिम है पर है मेरा दोस्त, मेरा दोस्त है। अब बाप ने देखा बेटे की मोहब्बत रुकावट बन गई, बेटे की मोहब्बत से मजबूर होके कि बेटा नाराज हो जाएगा, रूठ जाएगा, चलो बेटा आपके कहने से मैंने क्या कर दिया, माफ कर दिया। ये अकीदा भी मुशरिकीन का था। अब ये कैसे था जरा सुनिए, कुरान कहता है मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत तौबा है, आयत नंबर 30 है, सूरत तौबा आयत नंबर 30। कुरान कहता है कि मक्के जो यहूद और नसारा क्या कहते हैं, इत्तखज़ू अहबारहुम वरुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा को, अपने अहबार पीरों को, रहबानों को रब बना रखा था अल्लाह के सिवा। और उनका ये भी अकीदा था कि उनका ये भी आयत नंबर 29-30 में पढ़ने लगा हूं, फरमाया वकालतिल यहूदु ज़ैरुन इब्नुल्लाह, यहूदी कहते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अच्छा और क्या कहते थे, सूरत का नाम सूरत नहल है, 14वां पारा है, कुरान कहता है आयत नंबर 57 सूरत नहल आयत नंबर 57 के मक्के के मुशरिकीन कहते थे वयजअलूना लिल्लाहिल बनात, वयजअलूना लिल्लाहिल बनात, मक्के के मुशरिक अल्लाह के लिए बेटियां बनाते थे, वो कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, यहूदी कहते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नसारा कहते ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और मक्के वाले मुशरिक क्या कहते थे, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। हरिपुर वालों आप क्या समझते हैं, उनका ये अकीदा था कि नऊज़ु बिल्लाह जिस तरह बाप से बेटा पैदा होता है इस तरह अल्लाह से पैदा हुए, नहीं वो कहते थे इत्तखज़ल्लाहु वलदा के है पैदा अल्लाह से नहीं हुए, अल्लाह ने इनको बेटा बनाया हुआ है। जिस तरह आप किसी से प्यार करते हैं और उसको क्या बना लेते हैं कि जी फलाने मैंने फलां को क्या बनाया है, बेटा बना लिया, मुंह बोला, प्यार की वजह से मोहब्बत की वजह से आप बेटा बना लेते हैं। मुशरिकीन यहूद नसारा का यही अकीदा था, एक तौलीदुल वलद है, मियां बीवी शादी करते हैं औलाद पैदा होती है, इसके कायल नहीं थे वो तौलीदुल वलद के, किसके कायल थे इत्तेखाजुल वलद यानी बेटा बना लेने के, वो कहते थे इत्तखाजल्लाहु वलदा यानी अल्लाह ने इनको प्यार मोहब्बत की वजह से बमंजिले बेटे करार दिए। अब जब ये बेटे की जगह आ गए तो बेटा अगर सिफारिश करे तो बाप को लाजिमन क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती है, ये उनका नजरिया था।
कुरान ने इसको रद्द किया है और रद्द करके कुरान क्या कहता है, ला तुगनी शफातुहुम शैआ ला तनफउ शफातु इंदहु। और कुरान तीसरे मकाम पे कहता है यशफाउ इंदहु, कुरान तीसरे मकाम पे कहता है ला यशफाउ, ये सिफारिश नहीं कर सकते, ऐसी सिफारिश कुरान रद्द करता है। क्या करता है? रद्द करता है। अच्छा तो कुरान कौन सी सिफारिश साबित करता है जिसके हम कायल हैं, कौन सी शफात के हम कायल हैं? आइए कुरान क्या कहता है। कुरान जो शफात जिक्र करता है जिसके हम कायल हैं वो मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, और सूरत का नाम सूरत यूनुस है, 11वां पारा है। अल्लाह, सूरत यूनुस आयत नंबर 11 कुरान कहता है मा मिन शफीइन इल्ला मिन बाद इज़्निही, कोई सिफारिशी नहीं है अल्लाह के हाँ इल्ला मिन बाद इज़्निही मगर अल्लाह की इजाजत के बाद, अल्लाह की इजाजत के बगैर इजाजत के कोई सिफारिश नहीं कर सकता। तो हम जिस शफाअत के कायल हैं मुसलमान वो क्या है कि अल्लाह इख्तियार शफाअत का अल्लाह ही के पास है, जिसको अल्लाह चाहेंगे इजाजत देंगे कि आप सिफारिश करें, दूसरी वो सिफारिश इजाजत के बाद करेगा, तीसरी बात जिसके लिए अल्लाह चाहेंगे उसके लिए सिफारिश करेगा। पता नहीं बातें समझ में आ रही कि अल्लाह जिसके लिए चाहेंगे वो करेगा, जिस अल्लाह की इजाजत के बाद करेगा, जिस शख्स के बारे में कहें अल्लाह के इसके बारे में शफाअत करो तो उसके बारे में करेगा, अपनी मर्जी से नहीं कि जिसको जी आए और पकड़ के बंदा जन्नत में ले जाए। इसकी अब इसकी हकीकत कैसे है मैं पढ़ता हूं कुरान, आप जरा सुनिए इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। सूरत का नाम सूरत ताहा 16वां पारा है। एक एक शर्त कुरान जिक्र करता है। सूरत ताहा आयत नंबर है 109, ये मेरे सामने फरमाए यौमा इज़िन ला तनफउ शफाअतु इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व रज़िया लहू कौला। अल्लाह, फरमाया यौमा इज़िन उस दिन ला तनफउ शफाअतु, कोई सिफारिश शफात नफा नहीं देगी, इल्ला हाँ उसको सिफारिश नफा देगी, हाँ उसकी सिफारिश नफा देगी, मन अज़िन लहुर रहमान जिसको रहमान इजाजत देगा, व रज़िया लहू कौला और उसके बारे में सिफारिश की इजाजत देगा अल्लाह, रज़िया लहू कौला जिसकी बात से अल्लाह राजी हुआ हो, जिसकी बात से अल्लाह राजी। तो सच बताओ अल्लाह शिर्क वाली बात से राजी होता है कि तौहीद वाली बात से? अल्लाह तौहीद वाली बात पसंद करता है कि शिर्क वाली? तो मतलब यह है कि जिसने तौहीद वाली बात दुनिया में कही हो सिफारिश अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के बरगुजीदा बंदे करेंगे और उनके बारे में करेंगे जिनसे अल्लाह तौहीद की बात पर क्या हुआ हो। तो फिर एक सवाल होता है जब अल्लाह राजी हो चुका है तो सिफारिश की जरूरत क्या है? नहीं समझा मेरा दोस्त, यानी गुनाहगार है, मुजरिम है
और अल्लाह ये देखते हैं कि अल्लाह चाहते हैं कि मैं इसको बख्श दूं। सफारिश इसलिए करवाई जा रही है कि सफारिश करवा के अल्लाह अपने उन बरगुजीदा बंदों की अजमत को उजागर करना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता चले बख्शता अल्लाह ही है, उनकी अजमतें क्या करता है अल्लाह, उजागर करता है अल्लाह। और ये एक मकाम मैंने पढ़ा, अब मैं जरा दूसरा मकाम पढ़ता हूं। ये सूरत का नाम है सूरतुन नजम, 27वां पारा। सूरतुन नजम 27वां पारा है और आयत नंबर है 26। अल्लाह अकबर। देखिए कुरान क्या कहता है, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ। सूरतु नजम 27वां पारा, आयत नंबर है 26। कितने ही फरिश्ते आसमानों में, ला तुगनी शफातुहुम शैआ, उनकी सफारिश कुछ फायदा नहीं देती, इल्ला मिन बाद अन यअज़न अल्लाह, मगर बात इसके के अल्लाह इजाजत दे। क्या दे? यानी अपनी मर्जी से वो नहीं बोल सकते, मगर ये के अल्लाह इजाजत दे। अन यअज़न अल्लाह लिमन यशा, जिसके लिए अल्लाह चाहे, वयरजा, जिसके लिए अल्लाह पसंद करे। आइए हरिपुर वालों, अब हदीस की तरफ चलता हूं। हमारा अकीदा है इमामुल अंबिया शफाअत करेंगे, अंबिया करेंगे, सहाबा शुहदा कुरान के हाफिज उलमा करेंगे, फरिश्ते करेंगे, लेकिन शफाअत कुबरा नबियों के सरदार इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम फरमाएंगे। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस पढ़ने लगा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कयामत का दिन होगा। कितना बड़ा दिन, 50,000 साल का दिन है, जिसमें बैठने का मौका नहीं है, जिसमें टेक लगाने का मौका नहीं है, जिसमें लेटने का मौका नहीं है। गौर तो कीजिए, सूरज सवा नेजे पर है, दिमाग खोपड़ियों में उबल रहा है, जमीन तांबे की है, हर आदमी पसीने में है, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई नाप सीने तक, कोई पूरा ही डूबा हुआ है पसीने में, शराबूर है, सारे हैरान है क्या करें। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम तू इंसानियत का बाप है, तू अबुल बशर है, आप दुआ करें, इल्तिजा करें, अल्लाह हिसाब व किताब शुरू कर दे, जिसे जन्नत जाना है भेज दे, जिसे जहन्नम जाना है भेज दे, बस यहां इस मुसीबत से जान छूट जाए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, लस्तु लहा, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो बस इतना ही कहता हूं, रब्बे नफसी नफसी, अल्लाह मेरा अपनी जान का सवाल है, अपने बारे में ही मेरी इल्तिजा है। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे किसी और के पास चले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे किसी और के पास चले जाओ। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी ना आओ। आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जाइए, सारी उम्मतें आएंगी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आप इल्तिजा करें, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। नबी करीम क्या फरमाते हैं, बस मैं चलूंगा अल्लाह की बारगाह में, अपने रब को देखूंगा, जो ही अपने रब को देखूंगा, फअखिरु लहू साजिदा, तो मैं रब के सामने सजदे में गिर जाऊंगा, मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, इतनी जारी करूंगा,
इतनी इल्तिजाए करूंगा और रब की ऐसी तारीफ करूंगा, रब की ऐसी बड़ाई बयान करूंगा जो रब उसी वक्त मेरे दिल में डालेगा। इस वक्त मुझे भी याद नहीं। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह वो कलिमात मुझे डालेगा मेरे दिल में, मैं उन कलिमात से इल्तिजा करूंगा। अल्लाह जाने कितना लंबा सजदा होगा, सारी इंसानियत खड़ी है और इंसानियत के सरदार सजदे में है। अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासक या मुहम्मद सल तो ता कुल तुस्मा वशफा तुशफा। अल्लाह अकबर। क्या अजीब बात है, क्या अल्फाज हैं अल्लाह के। अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए मेरा पाक पैगंबर, कुल बोलिए तुस्मा आपकी बात सुनी जाएगी। अल्लाह कुल तुस्मा आप बोलिए आपकी बात सुनी जाएगी। वशफा तुशफा आप सिफारिश करें आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। इन लफ्जों पे आपने गौर नहीं किया हरिपुर वालों, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरा पैगंबर सर उठाइए जो जी में आइए कर गुजरिए। नहीं नहीं, अल्फाज सही बुखारी मुस्लिम के हैं कि अल्लाह के सामने पहले जारी की कि अल्लाह की इजाजत हो तो मैं बोलूं। रब ने इजाजत दी, अब लब कुशाई की जा रही है और अल्फाज भी मालिक कायनात के ये हैं। कुल तो सुना मेरा पैगंबर आप सल तो ता आप बोले आप मांगे, यानी मेरा पैगंबर आप नबियों के सरदार हैं लेकिन मांगना आपके साथ अच्छा लगता है, देना मेरे साथ अच्छा लगता है। तुझसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं, मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं, तुझसे बेहतर सवाल ही कोई नहीं, मुझसे बेहतर अता करने वाला कोई नहीं। फरमाया कुल तुस्मा वशफा तुशफा सल तोता आप मांगे आपको दिया जाएगा। फिर क्या अगले अल्फाज भी हदीस को सुन ली, फयहुद्दु ली हद्दन, अल्लाह मेरे लिए एक हद मुतय्यन करेगा इतने लोगों की कर दीजिए। फरमाया जब मैं उनकी सिफारिश करके जन्नत में दाखिल करवा दूंगा तो अगला ऐलान मैं फिर सजदे में गिर जाऊंगा, फिर गिर जाऊंगा। अल्लाह फिर फरमाएंगे सर उठाइए मांगिए, इतनी हद है आप सवाल करें। फरमाया उनको जन्नत में दाखिल करने के बाद फिर सजदे में गिर जाऊंगा। सही हैन के अल्फाज ये हैं कि चार मर्तबा सजदे में गिरूंगा। कितनी मर्तबा? चार मर्तबा। चौथी मर्तबा सजदे से सर उठा के क्या कहेंगे नबी कि अल्लाह अब जहन्नम में सिर्फ वही बच गया है जिसको कुरान ने रोक दिया है और जहन्नम उस पर हराम है, बाकी सबको अल्लाह ने जन्नत दे दी। अब आपसे पूछता हूं, मुशरिक पे जन्नत हलाल है क्या हराम? हराम है, वो नहीं जाएगा, इसलिए दुनिया में शिर्क से बचिए, बस बाकी चीजें अपनी जगह है। लेकिन ये वो चीज है जैसे आप स्कूल के पेपर बच्चे पास करते हैं तो आप 35 नंबर वाले को पास कर दिया जाता है, ऐसा ही है। 33 वालों को भी गुजारा करके कहते हैं मरते मरते पास हो गया, लेकिन जिसके 20 नंबर आ जाएं वो पेपर पास होता है, वो फेल हो जाता है। अच्छा, अल्लाह के यहां जो पेपर हैं वो कैसे हैं? उधर 5 नंबर वाला भी पास हो जाएगा, 10 वाला भी पास हो जाएगा, 20 30 25 50 2-3 नंबर वाला भी पास हो जाएगा, पर एक पेपर है मेरे रब के दरबार में जिसको कहते हैं तौहीद वाला पर्चा, वो 100/100 लेकर पास हुआ तो पास, एक नंबर भी अगर उसमें कम हुआ तो फेल हमेशा।
बाकी में अल्लाह गुंजाइश देते हैं। एक मामला है अल्लाह अपने हक का, तौहीद का, इसको अल्लाह मुआफ नहीं करते कि अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करे। ये वो जुर्म है। हमारे मुल्क में हम हर एक मुजरिम को छूट दे देते हैं, लेकिन गद्दार के लिए हमारे आईन में भी क्या है, सजा फांसी है। तो तौहीद के खिलाफ चलने वाला अल्लाह का क्या है, अल्लाह इसे मुआफ नहीं करता। बाकी सिफारिश कुरान के हाफिज भी करेंगे, अल्लाह इजाजत देगा, ये मेरी किताब का एजाज है, कीजिए। सिफारिश कुरान भी करेगा, सिफारिश शुहदा भी करेंगे, सिफारिश उलमा भी करेंगे, लेकिन ये ज़हन रखना कि मैं अहमद जमशेद के पास चला गया, बस अब मैं ना नमाज पढ़ूं ना रोजे रखूं, जो मर्जी है, हैं? हमारा ख्याल करना। कई लोग होते हैं प्रोग्राम में मिलते हैं, जब हम मिलते हैं तो कहते हैं, हजरत एक शख्स था उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, इस्तकबाल के लिए आया था, 3-4 किलोमीटर मुझे गाड़ी में लेके गया। कहने लगा, जी गाड़ी तो आपके पास भी थी, बल्कि 5-6 और भी हैं, मैंने आपको अपनी गाड़ी में अपने घर तक क्यों लेके गया हूं? मैंने कहा, कहते हैं इसलिए कि मुझे याद रखना कयामत वाले दिन। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे आप किस बात में लगे हुए हैं, ये वो अकीदा रखते हैं, मुझे याद रखना। ओ मेरा दोस्त, दुआ ये करना अल्लाह अपना कर्म करे, कौन किसी को क्या याद कर सकता है। हाँ, कि सिफारिश का इख्तियार जब अल्लाह के पास है तो आप कहोगे, अल्लाह मुजरिम हूं तेरा, सयाकार हूं, खताकार हूं, अल्लाह गुनाहगार हूं, अल्लाह मेरे गुनाहों का किसी को पता नहीं, लेकिन अल्लाह सर से लेकर नीचे वजूद तक, पांव तक, अल्लाह गुनाहों में आलूदा हूं। अल्लाह अगर सिफारिश का इंतजाम भी, मेरी शफात का हक भी तू किसी को देगा तो तू ही देगा, इसलिए शफात भी तुझी से मांगता हूं। आप जब दुआ करते हैं तो आप क्या कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हमें क्या नसीब फरमा, शफात नसीब फरमा, यानी किस से मांगते हो, अल्लाह से मांगते हो। तो अगर सिफारिश भी मांगते हो तो वो भी किस से मांगो, फिर अल्लाह जिसे चाहेगा हक अता कर देगा और आपका बेड़ा पार कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस ज़हन में आ गई, कयामत के दिन कुरान करीम एक शख्स की सूरत में आएगा, एक इंसान की सूरत में, और अपने पढ़ने वाले को देखेगा, वो परेशान हाल होगा, बिल्कुल परेशान हाल होगा। तो ये उसे कहेगा, तू फुलां है? तो ये गुनाहगार बंदा कहेगा, जी हाँ मैं वही हूं। फरमाया, कुरान कहेगा तूने मुझे पहचान लिया? कहने लगा, मैं तो नहीं जानता हूं तुझे, आपको इंसान है, मैं आपको जानता नहीं हूं। कुरान बोलेगा, अल्लाह के बंदे मैं वही कुरान हूं जिसे जिसने तुझे रमजान की तपती हुई दोपहर में भूखा और प्यासा रखा, और रातों को जगाए रखा, दिन को प्यासा रखा, तू यानी मेरे फरमानी कुरानी कानून के मुताबिक रोजा रखता रहा, रात को क़याम करता रहा, मेरे साथ तूने वफा की है, आज मेरे पीछे आ, मैं तुझे उसी जगह तक पहुंचाऊंगा जो जन्नतुल फिरदौस है, मैं तुझे साथ लेके चल। कुरान आगे होगा, ये उसके पीछे पीछे जाएगा और जन्नत में पहुंच जाएगा। तो कुरान करीम भी शफाअत करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, या तो कुरान तेरे लिए हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। तेरे हक में हो गया तो तेरा काम बन गया, अगर तेरे खिलाफ कुरान उठ गया तो तेरा काम तबाह व बर्बाद तू हो जाएगा। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह जो उलमा हैं, शुहदा हैं, अल्लाह उनकी शफाअत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।